एवरीवन, ए वेरी स्प्लेंडेड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। हाउ यू डूइंग ऑल? आई होप दैट यू विल हैव वेल, यू विल हैव हेल्थी, यू विल हैव सेफ, यू विल हैव हैप्पी। आई एम डॉक्टर अरुण, वाचिंग दिस एंड नॉलेज फॉर यू। यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, इफ यू हैवन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल येट, सो गाइस प्लीज काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड काइंडली हिट द बेल आइकन बटन प्रेस फॉर वॉच मोर वीडियोज। सो गाइस आई हैव कम न्यू वीडियो अगेन गाइज। सो गाइज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ गाइज। सो गाइज आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करना बोलें, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई वीडियो डालते रहता हूँ गाइज। लाइक मेडिसिन से रिलेटेड डालते रहता हूँ, डी से रिलेटेड डालते रहता हूँ, सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ गाइज। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँ गाइज, और हमें गाइस सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन बटन उसको प्लीज़ प्रेस करना भूलें। सो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे चर्क कंपनी के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसी मेडिसिन के बारे में, एक ऐसे टॉनिक के बारे में, एक ऐसे शरबत के बारे में जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है गाइस, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है गाइस। लाइक आपकी वाइफ के लिए, लाइक आपके पेरेंट्स के लिए, लाइक आपके बच्चों के लिए, लाइक आपके चिल्ड्रंस के लिए, लाइक आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है गाइस। सो गाइस हम बात करेंगे चर्क कंपनी के एप्टीजोम के बारे में जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो आज की वीडियो में यही मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा किस डिजीज़ में इस टॉनिक को यूज़ किया जाता है, किन वजह से काम आता है सिर्फ गाइज। लाइक हम आपको कैसे आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, लाइक की बात करूँ जो कितनी डोज आपको यूज़ करनी, कितने बार आपको यूज़ करनी, किसके साथ आपको यूज़ करनी है गाइज, लाइक क्या कॉम्पोजिशन आपको देखने मिलेगा इसमें गाइज, और ये कितनी एमआरपी में आपको एवरेज मिलेगा, कहाँ से आपको एवरेज मिलेगा, लाइक कब तक आपको यूज़ करना, कब तक आपको लेना, कितने में तक आप यूज़ करना, कितने में तक आपको लेना गाइज, ये सो इसकी कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ शेयर जरूर करें गाइज और फॉरवर्ड जरूर करें गाइज। सो गाइज आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप स्प्रेडिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर एंड डू स्प्रेड दिस वीडियो एवरीवेयर। सो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। सो गाइज आपको बता दूँ किस डिजीज़ में सिरप को यूज़ किया था, किन पे से काम आता है सरबत, अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूँ काफ़ी डिजीज़ में इसको यूज़ किया था, बहुत सी उन्हें काम आता है सिरप गाइज ये। सो गाइज मैं आपको बता दूँ इसके कुछ क्रिटिकल कुछ स्पेसिफिक यूज़ जो कि आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है गाइज। सो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, सो गई ये बात करूँ लॉस ऑफ एपेटाइट के बहुत सारी बात करूँ सिरप, जैसे बात करूँ भूख की जैसे कम लगना, खाना खाने बिल्कुल मन नहीं करता है, लाइक खाना बिल्कुल नहीं जैसे अच्छा नहीं लगता आपको खाना, लाइक खाना आपके सामने रखते हैं आपको वॉमिटिंग, आपको गाइस आपको आने लगती है, उल्टी से आपको मन करता है करने का। लाइक बात करूँ गाइस जी आई डीज के लिए काफ़ी अच्छा टॉन, जैसे बात करूँ गैस्ट्रोल डीज के लिए काफ़ी अच्छा टॉन, जैसे आपको गैस आपको ज़्यादा बनती है, खाना खाते गैस आपको बनती है, लाइक आपको खाली पेट भी गैस आपको बनती है, लाइक गैस पास सही से नहीं हो पा रही गाइस, लाइक बहुत ज़्यादा आपका पेट फूल ऐसा रहता है, हैवीनेस से आपको पेट में रहती है, ब्लोटेड एब्डोमेन जैसा आपको रहता है, लाइक उसके लिए काफ़ी अच्छा है। जो बात करूँ टॉनिक गाइस ये लेके बात को गाइज एक लीवर डीज के लिए बहुत अच्छा टॉनिक, जैसे बात को लीवर डीज जैसे कि लीवर में कोई भी दिक्कत हो जाती है, लाइक बात को लीवर का जैसे इनलार्ज हो जाता है, लीवर का साइज जैसे बढ़ जाता है, स्वेलिंग जैसे आ जाती है, लाइक लीवर में कोई भी दिक्कत जैसे हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा टॉनिक गाइज है। लाइक पैनक्रियाज के लिए काफ़ी अच्छा टॉनिक, जैसे पैनक्रियाज में स्वेलिंग जैसे आ जाती है, सूजन जैसे आ जाती है, पैनक्रियाज में अग्नाशय हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में गाइज, वो हमारी बात को हमारी बॉडी के जैसे बात को एक जो है उसमें जब इंसुलिन जो है वहीं से प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन वहीं से रिलीज होता है गाइज, लाइक इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में राउंड लेता है, लाइक उसी पैनक्रियाज से जो है इंसुलिन जो है रिलीज होता है गाइज। सो गाइज ये बात करूँ गाइज कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है, जैसे बात करूँ कब्ज आपको जैसे रहती है, हार्ट स्टूल जैसे आपको आते हैं, ड्राई स्टूल जैसे आपको आते हैं, डिफिकल्टी स्टूल जैसे आपको आते हैं, लाइक एक से दो दिन आप फ्रेश हो पाते हैं, लाइक आपको सख्त बिल्कुल पोटी आपको बिल्कुल आ रही है, आपको पत्थर जैसे आती है, चुभने वाली आती है, लाइक बहुत जोर लगाना पड़ता है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा आपको पेट फूला फूला से रहता है, हैवीनेस से आपको आती है, लाइक पेट साफ ना होने के बाद आपको जो है उबकाई से आपको होने लगती है, उल्टी से आपको होने लगती है, जी से आपका मसला नहीं रहता है, खट्टी खट्टी डकार जैसे आपको होने लगती है, श्योर एक्टेशन जैसे आपको रहती है, बेल्चिंग जैसे आपको रहती है, श्योर बेल्चिंग जैसे आपको रहती है गाइज, लाइक उसके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है गाइज ये। लाइक बात करूँ जैसे कि ये जो है कमजोरी के लिए बहुत अच्छा टॉनिक, जैसे बात करें अगर आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, लाइक आपके लीवर में कोई दिक्कत हो जाएगी, पैनक्रियाज में कोई दिक्कत हो जाएगी, आपको जो है शरीर में कमजोरी आपको आने लगेगी, लाइक आपको खून की कमी आपके शरीर में होने लगेगी, लाइक बात को आप जो है आपको भूख भी कम हो जाएगी, लाइक वो गैस टेबल डीज आपको रहेगी, गैस आपको ज़्यादा बनेगी, लाइक अगर मैं बात को गैस या अगर ये आपका लीवर ठीक रहेगा, लाइक आपके पैनक्रियाज ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा गैस। सो गाइस स्टोमिक के लिए काफ़ी अच्छे टॉनिक, जैसे बात अमावस्या में जिसे हिंदी लैंग्वेज कहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे टॉनिक, जैसे बात करूँ आपको स्टोमिक बर्निंग सेंसेस जैसे आपको रहती है, लाइक बात को अमावस्या में जलन जैसे आपको रहती है, जो आपको अमावस्या जो है उसमें बहुत ज़्यादा जलन जैसे आपको काफ़ी लंबे से आपको रहेगा, उसके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ये। इनडाइट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा टॉनिक, जैसे आपकी पासिंग की कोई आपको दिक्कत आपको रही है, लाइक आपको खाना अच्छे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है,
लाइक खाना खाते हैं तो आपको जब आपको गैस आपको बनने लगती है, लाइक अगर आपको पाचन क्रिया ठीक रहती है तो गाइस आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी पाचन क्रिया को जो है बेहतरीन बनाने के लिए, उसको जो है अच्छा करने के लिए बहुत सारे टॉनिक गाइस ही। सो गाइस आपको बता दूँ कैसे आपको सिरप यूज़ करना है, कैसे आपको शरबत लेना है गाइस, और कितनी टाइम आपको यूज़ करना है, कितने वाले आपको यूज़ करना है, कितनी डोज आपको यूज़ करनी है, किसके साथ आपको यूज़ करना है। सो गाइस आपको बता रहे हैं, सो गाइस आपको जो है अगर वहाँ को चिल्ड्रंस के लिए बच्चों के लिए लाइक 10 ईयर अबोव होनी उनकी एज होनी चाहिए, उनके लिए आप जो है 10 ml आप दे सकते हैं। इसके साथ आप जो है विद ल्यूक वाटर का आपको यूज़ करना है, 10 ml आपको जो है वाटर आपको यूज़ करना है। और एडल्ट के लिए बात करूँ बड़ों के लिए गाइस ये 20 ml यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि 20 ml आपको यूज़ करना है और 20 ml आपको जो है इसमें जो वाटर आपको यूज़ करना है, लाइक 10 ml आप यूज़ आप कर सकते हैं। और आपको जो है खाना खाने के बाद आपको यूज़ करना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर आपको यूज़ करना है, और इसको 2 से 3 बार यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। लाइक बात करूँ ये जो है कब तक आपको यूज़ करना है, कितने तक आपको यूज़ करना है, कितने आपको लेना है, सुबह जो आपको बता सकते हैं, सुबह जो आपको जो 1 month तक यूज़ आप कर सकते हैं। लाइक बात करूँ इससे आपको जो है 1 month में रिजल्ट आपको मिल जाएगा गाइस, तो अगर आपको 1 month में रिजल्ट नहीं मिलता फिर इसको जो 2 month तक यूज़ आप कर सकते हैं। अगर बात को जैसे भूख आपको सही लग रही है, खाना आपको अच्छे डाइजेस्ट आपको हो रहा है, पाचन को कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है गाइस, लाइक जैसे जी आई डिजीज आपको नहीं हो रही, जैसे गैस्ट्रेबल डिजीज आपको नहीं हो रही, गैस आपको बिल्कुल नहीं बढ़ रही है गैस। लाइक बात करूँ आपको जो है कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं है, कब्जा आपको बिल्कुल नहीं हो रही गैस। लाइक बात करूँ हार्ट स्टूल जैसे आपको आ नहीं रहे, लाइक डाई स्टूल जैसे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, डिफिकल्टी स्टूल जैसे आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, फ्रेश आप सही से आ रहे हैं, प्रॉपरली हो पा रहे हैं गैस। लाइक बात करूँ गाइज आपके लीवर में कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है गाइज, लाइक कमजोरी आपको बिल्कुल नहीं हो रही है गाइज, थकावट बिल्कुल नहीं हो रही है गाइज आपको, लाइक फिर इसको नहीं लेना फिर इसको छोड़ देना है गाइज। सो गाइज मैं बता दूँ कितनी MRP में आपको अवेलेबल मिलेगा टॉनिक, सो गाइज आपको मिलेगा ये 75 या फिर 70 का अप्रोक्सीमेट आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और ये आपको जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, एलोपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा आपको इसका मिल जाएगा रिजल्ट के, आप इसको जो है टेंशन ना लें, डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा इसका इसका जो है रिजल्ट का आपको। सो गाइस मैं बता दूँ क्या कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेंगे सीरम में, सो गाइस अगर मैं बात करूँ कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन काफ़ी अच्छा आपको देखने, जो कि नेचुरली आयुर्वेदिक इसमें बहुत से कॉम्पोजिशन हैं, जैसे कि मैं सतावर इसमें डाला हुआ है, लाइक मैं जिंजर आपको देखने मिलेगा, लाइक इसमें अजमुद आपको देखने मिलेगा, लाइक इसमें एलिप्टा एलिबा इसमें देखने, जैसे कि काफ़ी कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेंगे, और इसकी बात करूँ काफ़ी अच्छे इसमें जो है रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। सो गाइज मैंने इस टॉनिक की शरबत की आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी है, सो गाइज जो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाइज, सो गाइज आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके चिल्ड्रंस के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो, लाभदायक वीडियो है। लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करना भूलें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई वीडियो डालते रहता हूँ गाइज। सो गाइज आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो हार्ड यू लाइक दिस वीडियो, यू डू कमेंट बिलो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप स्प्रेडिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर एंड डू स्प्रेड दिस वीडियो एवरीवेयर। सो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड काइंडली हिट द बेल आइकन बटन फॉर वॉच मोर वीडियो, सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक पेज एंड यू कैन फॉलो अस ट्विटर पेज, सो कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड पिन कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड कीप योर सेल्फ सेफ, सो अंटिल यू स्टे कनेक्ट विद अस, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सो अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सो गाइस थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।